सरिस्का पधारे, सभी का स्वागत है। और ये हमारा क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का का तीसरा फेस आज है। तो मैं एक ऐसी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, युवा जागृति संस्थान। मेरे लंबे अनुभव से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, यहाँ हमारे पास नाम के लिए लोग आए, एनजीओ जुड़े, लोकल लोग जुड़े, केवल नाम के लिए जुड़े थे, वो फोटो खिंचवाने के लिए जुड़े थे। लेकिन पहली बार सरिस्का में एक ऐसी टीम जुड़ी है हमसे जो नेचर को बचाने का काम कर रही है, नाम के लिए नहीं, काम के लिए, नाम के लिए नहीं, फ़ोटो के लिए नहीं, नेचर को बचाने का काम कर रही है। तो मैं युवा जागृति संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरी टीम जो सरिस्का है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सहयोग उनका मिलेगा, लेकिन टीम सरिस्का ने, हमारे DFO सर ने, CF सर ने बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की है हमारे काम से। तो आगे भी टीम सरिस्का का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। और अभी हम इस काम की शुरुआत करेंगे पूरे मन और उत्साह से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद रहने के। पूरे लाइक लास्ट टाइम ये पूरे क्लीन कर दिए हम लोग, इट वॉज टू गुड एक्चुअली। सो हमारा साइड को एक रिक्वेस्ट है UGS को और टीम सरिस्का को, सो इधर क्लीन करने के ये विजिबल का पैटर्न चलते हैं, बट बर्तरी के विजिट करने में लास्ट वीक पूरे इतने गंदा ले, टू मच ऑफ प्लास्टिक से, टू मच ऑफ वेस्ट जम कर, इधर हम साइड से मंदिर वालों को रिक्वेस्ट करिए क्लीन करना, और हम लोग पूरी क्लीन दोनों। सो इट इज़ फ्रॉम माय रिक्वेस्ट दैट वी शुड क्लीन एट बर्तरी सम मोर, बिकॉज बर्तरी को पूरे हमारा लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, पूरे इतना गंदा लाइक प्लास्टिक्स, इतना पूरे वाइल्ड लाइफ को खराब कर दे। सो मेरा रिक्वेस्ट दोनों को लाइक प्रेजेस ऑफ फिर UGS ये थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे। सो हम सही कौन सा हेल्प मैं देऊँगा, लाइक आई विल गिव यू ऑल द सपोर्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ये संभव हो पाया और आपकी पूरी डेडिकेशन के साथ जो टीम इसमें तन्मयता से जो काम कर रही है उसी से ये काम संभव हो पाया। और निश्चित रूप से जो सर लक्ष्य और जो कल्पनाएँ की थी वो आने वाले समय में साकार होंगी, और इसी उत्साह के साथ हम इस पहल को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएंगे, और इसी संकल्प के साथ कि हमारा जो सरिस्का है वो ग्रीन सरिस्का, क्लीन सरिस्का जो थीम रखी है उसी के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और विशेषकर हमारे यहाँ थानागाजी की जो टीम है जिसमें बद्री जी, लेखराज जी और राजेंद्र जी के साथ जो स्कूल के जो बच्चे हैं इनका पूरा अच्छा सहयोग रहा है सर, मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ की हमारी टीम के लिए। तो हम फिर से इस अभियान के तीसरे चरण में आज जुड़कर और आगे इस स्वच्छारण्य और स्वच्छ अभ्यारण्य के थीम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर, मैं पूरी टीम को फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
अविश कुमार है और मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के श्रीमाधोपुर तहसील के छोटा सा गांव है डाबावाली, वहाँ का निवासी हूँ। और पहले तो सभी को छोटे बड़े दोस्तों को मेरा नमस्कार। और सरिस्का का अभियान में जैसा दो फेज़ का तो मुझे पता नहीं चला था, और जैसे ही थर्ड फेज़ का मुझे पता चला तो सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि आना ही आपको। मैं आया यहाँ पे और आने के बाद मैंने देखा कि पहले से दो फेज़ में। नमस्कार जी, मैं गौतम शर्मा सीकर का रहने वाला हूँ और आज हम आए हैं क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का के अभियान में। अभी जितेंद्र जी सर ने हमें सूचित किया था, ये आज क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का का तीसरा अभियान चल रहा है। पहले दो अभियान में हम तो सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन आज हमें मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि पहले से बहुत क्लीन सरिस्का हो चुका है और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एक स्वच्छ वातावरण मिला है यहाँ पे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनको एक बढ़िया फील हो, अच्छा साफ और स्वच्छ वातावरण मिले उनको। हमारी यही अपील है यहाँ सरिस्का वासियों से कि वो गंदगी ना फैलाएं। और हमने थर्ड फेज कंप्लीट कर लिए, बहुत ही शानदार है हमारे काम। और आगे भी ये पूरे ये जो विजन है हमारा जो काम है ये पूरे सरिस्का को लेकर, और निश्चित रूप से हम इसको करके ये हमारा विजन। थैंक यू। बहुत ज़्यादा सफाई की हुई है सरिस्का अभियान की, तो फिर सरिस्का अभियान की सफाई हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम अपने घरों की सफाई रखते हैं, क्योंकि जंगलों के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।